हरे कृष्णा। तो अभी हम जो ये ब्लॉग है उस पर बनाएंगे कि तोरई तोड़ने के लिए क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, तो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे तोरई हैं जो क्या ऊपर पेड़ पे चढ़ी हुई हैं, तो हम तो सामने देख सकते हैं श्रीमान नितेश सैनी पेड़ पे चढ़ चढ़ के तोरई तोड़ रहे हैं, बहुत ही खतरा मोल ले रहे हैं। तो ये नीचे से हम देखेंगे तो पेड़ पे चढ़ रहे हैं, तोरई तोड़ रहे हैं, लेकिन इतने से छोटी छोटी तोरई भी तोड़ लेते हैं, बहुत ही किसी को नहीं छोड़ते, हरफन मौला खिलाड़ी की तरह। लेकिन बहुत ही खतरनाक खतरों के खिलाड़ी बिल्कुल छोटी सी डाली पर चढ़ जाते हैं तोरई तोड़ने के लिए, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं, बस इनको तोरई तोड़ने से मतलब है, तोरई टूटनी चाहिए। और अभी देखेंगे इस तोरे को कैसे तोड़ पाते हैं। तो हम यहाँ से ज़्यादा साफ देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से आए वीडियो में तोरे तोड़ने का जो प्रोसेस है आज वो नितेश सैनी सिखा रहे हैं हमको। तो पास से हम और जाएंगे, और बीच में नली आए तो हम ज़्यादा आगे नहीं आ सकते, लेकिन नलिया भी बहुत सुंदर लग रही है, ग्रीन ग्रीन, इसमें काई छा गई है तो बहुत ही नेचुरल। अभी बेल सूख गई हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, दिख जा रही हैं तोरी कहाँ पे हैं। पहले तो बहुत सारा ग्रीन ग्रीन था, पत्ती भी ग्रीन, बेल भी ग्रीन, तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी दिख रहा है। तो नितेश सैनी देखिए कैसे चढ़ रहे हैं, छोटी सी डाली पर चढ़ गए हैं, बिल्कुल खतरों के खिलाड़ी एकदम, इनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है, हाथ पैर भी टूट सकता अगर डाली टूटी तो, लेकिन कुछ नहीं, ये अपनी काम के लिए बिल्कुल एकदम समर्पित हैं। ये पीछे एक तोरई छोड़ दी आपने यहाँ पे, ये देखिए कितना अच्छा तोरई लटका हुआ है, और ये वेरी नाइस। और आगे देखेंगे कैसे कैसे तोरई तोड़ेंगे नितेश सैनी, बहुत ही खतरा उठा रहे हैं वैसे अभी तक तो। आगे पापा भी तोरई तोड़ रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा खतरा नहीं उठा रहे हैं, वो जो नीचे नीचे हैं डंडी से उनको नीचे करके तोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ नितेश सैनी तो हर बार खतरा उठा रहे हैं। देखो छोटे से पेड़ पर चढ़ चुके हैं, अगर पेड़ टूटा तो सीधा नाली में जाएंगे, और नाली में गए तो फिर गई भैंस पानी में, वो वाली कहावत पूर्ण हो सकती है, लेकिन फिर भी ये खतरा उठाएंगे। देखो कितना ऊपर चढ़ चुके हैं आसमान को छूने, और एक तोरई तोड़ चुके हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा तोरई नहीं है तो बहुत आसानी से हो रहा है, लेकिन पहले एक जगह पे 10-10 तोरई भी होती थी तो बहुत मुश्किल होता था। तो अभी फिर भी खतरा तो उठा ही रहे हैं, अभी भी ऐसा ऐसी बात नहीं है, तो हम उनके प्रयास को ऐसे ही नहीं कह सकते, अभी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। और आगे हम देखेंगे इस वाली पेड़ पे वो कैसे तोड़ेंगे, ये देखिए उछल उछल के बहुत ही शानदार तरीके से, और इस सुबह का माहौल है तो बहुत ही आनंद इसका हम ले रहे हैं। तो अभी ये प्रोसेस कम से कम 2 से 3 घंटे चलने वाला है तोरई तोड़ने का, तो हमने आपको दिखा दिया है कि कैसे खतरों से खेल के ये तोरई तोड़ी जा रही हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। हरे कृष्णा।